रवा या सूजी जो भारतीय रसोई में आसानी से पाई जाती है और इसके कई सारे स्वादिष्ट पकवान भी बनते हैं। पहले हमें रवा का बेस बनाना होगा। धीमी आंच पर रवा को हल्का सुनहरा और करारा होने तक भूनें। फिर हम पैन में तेल लेंगे, उसमें थोड़ी मिर्च और अदरक डाल के भून लेंगे। जब वो हो जाए तो 2.5 कप पानी डालें, फिर थोड़ा पिसा हुआ खोपरा डालें और फिर नमक डालें। इसे थोड़ा उबलने दें और फिर भुना हुआ रवा डालें। इसे मिलाते रहें जब तक ये सब साथ में ना आ जाएं। ये एकदम लोई जैसा लगना चाहिए। अब इसे ठंडा होने दें। हम उनके छोटे गोलाकार बूंदे बनाएंगे। आप इन्हें बड़े भी बना सकते हैं, पर हम इन्हें छोटे ही रखेंगे। इन्हें बनाने के बाद हम इन्हें स्टीमर में 12 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। ध्यान रखिए कि ये ज्यादा नरम ना हो जाएं। इसके बाद आपको सिर्फ उन्हें अपने मनपसंद मसालों में भून लेना है। फिर डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, जीरा और इन्हें पकने दें। फिर थोड़ी उड़द दाल डालें, फिर कड़ी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डालें। फिर नमक डालकर उसे पकने दें। इसके बाद इनमें अपने स्टीम बोंडास डाल दीजिए। इन्हें मिला लीजिए और आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डालें और ये तैयार हैं। मिलते हैं अगली बार कुछ और यमी रेसिपीज के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।